बेमौसम बारिश और आवक कम होने के कारण एक बार प्याज के दाम आसमान छूने लगी है। कुछ दिन पहले तक 50 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। सोमवार को दाम 70 रुपए किलो था, आने वाले समय में प्याज के दाम में बढ़ोतरी की संभावना है। किसानों का कहना है कि मार्केट में प्याज की कमी के कारण दाम में इजाफा हो रहा है, आने वाले 10-15 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते मंडियों में प्याज और टमाटर की आपूर्ति में काफी अड़चन आ रही है। इस वजह से प्याज और टमाटर के दामों में इजाफा हो गया है। जब प्याज थोक मंडी से रिटेल बाजार में जाती है तो इसके दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाते हैं। वहीं टमाटर रिटेल मार्केट में इन दिनों 70 से 80 रुपए किलोग्राम बिक रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज और दालों के दाम को नियंत्रण में रखने के लिए नैफेड को बफर स्टॉक से दाल और प्याज की सप्लाई जारी रखने का निर्देश दिया था। देश में प्याज और दाल की कीमतों और उपलब्धता के साथ साथ सरकार के बफर स्टॉक की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक हुई थी। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।